हाँ तो भाई लोग यार कैसे, उम्मीद है कि आप लोग यार बढ़िया होंगे, आप लोग की लाइफ में नंबर वन की चल रही होगी। तो देखो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई हिंदी डब मूवी के बारे में जिसका नाम होने वाला है मगध गजा, और इसी मूवी का करेंगे रिव्यू। देखेंगे क्या देखने को मिला, इसमें क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, इन सब बातों को बताएंगे आपको अच्छे से डिटेल में। पर हाँ, इस इंट्रो के बाद तो अगर आपको पहले इसके स्टार कास्ट के बारे में थोड़ा बता दें तो उसमें देखने को मिलने वाले हैं श्री मुरली, जगपति बाबू और इनसे लग भी कुछ और भी अच्छे एक्टर सैंडलवुड की तरफ से। फिर यार बात निकल के आती है कि इसकी कहानी क्या है, क्या स्टोरी रखती है हमारे सामने। तो स्टोरी यार फोकस करते हैं दो गांवों पे, दोनों गांव के एक एक लीडर हैं जिसमें से एक अच्छा है एक बुरा है, और इसी वजह से उन दोनों में प्रॉब्लम हो जाती है। अब आगे चल के इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है और किस तरीके से स्टोरी अपने आप को रखती है, इन सब बातों को जानने के लिए आपको देखना हो मूवी को, जो मिल जाएगी कलर सिनेप्लेक्स पर आज दिन में 12 बजे से। साथ में इसका यूट्यूब प्रीमियर भी होने वाला है आरकेडी स्टूडियो पर टीवी प्रीमियर के बाद में। पर हाँ, अब अगर आप ये बात सुन के देखने का प्लान कर रहे हो, जाने के बारे में सोच रहे हो, तो पहले यार वीडियो में 2 मिनट रुक जाओ, पहले सुन लो कैसे लगने वाली स्टोरी आपको, कितनी पसंद आने वाली है, स्क्रीन प्ले कैसा है, बैकग्राउंड स्कोर कैसा है, एक्टिंग कैसी देखने को मिली, साथ में पूरी स्टोरी कैसी है। तो अगर पहले बात कर ली इसके कहानी से, तो कहानी यार एक तरीके से रूटीन ड्रामा है जहाँ पे आपको एक्शन देखने को मिलेगा, इमोशन देखने को मिलेगा, एक छोटी सी स्टोरी देखने को मिल जाएगी, और पूरी तरीके से स्टोरी यही है, एक तरीके से बोले तो मास्टर ड्रामा स्टोरी है जिसको आपने बहुत बार पहले भी साउथ की मूवीज में देखा है दो गांव की दुश्मनी के ऊपर, और वही चीज यार ये भी मूवी करती है, और वैसे ही कुछ सेम प्लॉट ये भी मूवी रखने वाली है। पर ये नहीं कि इससे यार पूरी मूवी खराब हो जाती है, कुछ अच्छी चीजें भी थी यार स्टोरी में जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहली बार जो यहाँ पे एक्शन रखा गया वो अच्छा है, काफी अच्छा है, साथ में जो एक इमोशन वाला एंगल है वो भी काफी हद तक काम करके चला जाता है। पूरी स्टोरी अगर ओवरऑल बात करें तो यार अच्छी लगेगी, इंटरटेनर है और ऑडियंस का टाइम पास करेगी। आप अगर एक हिंदी डब फैन हो जिसको यार मास ड्रामा वाली मूवी पसंद आती हो, जिसमें यार एक्शन हो, कॉमेडी हो, रोमांस हो, ये सब चीजें पसंद आती हो, तो यार मूवी आपको अच्छी लगेगी और ऐसे टाइप के ऑडियंस को अट्रैक्ट भी करेगी। पर हाँ, अगर आप कुछ नया देखने गए हो और कुछ बड़ा देखने गए हो तो भाई यार वो चीज़ देखने को नहीं मिलता मूवी से, वहाँ पे मूवी पूरी तरीके से निराश करती है। साथ में कुछ गलतियाँ भी है इन सब चीज़ों के बीच में, वो है स्क्रीन प्ले में। देखो चाहे स्क्रीन प्ले का फर्स्ट हाफ हो या सेकंड हाफ हो, दोनों में ही लगभग आप बोर होने वाले हो, दोनों में जो लेंथ है वो थोड़ी लंबी लगती है और आपको स्किप करने की जरूरत पड़ेगी, काफ़ी जगह पड़ेगी। और एक बात और है, जो हमें प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिलती है पूरे स्क्रीन प्ले में, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है यार। सिनेमेटोग्राफी हो, कैमरा वर्क हो, बाकी काफ़ी सारे लोकेशन सीन हो, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से फिल्माया गया है, जो आपको पसंद आएगा और मूवी के लिए वो प्लस पॉइंट साबित होता है। पर अगर ये लोग थोड़ा लेंथ कम कर देते तो मूवी और ज़्यादा बेहतर बनती। अगर बात कर ली इसके BGM के बारे में तो मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी काफ़ी हद तक यार बढ़िया लगा, काफ़ी सारे एक्शन सीन में लगभग यार लाजवाब बैकग्राउंड स्कोर है, लाउड है और पसंद आता है, उसी से यार एक्शन का लेवल यार और ज़्यादा बढ़ जाता है, मूवी देखने के काफ़ी टाइम बाद भी वो आपके दिमाग में रहेगा। वहीं अगर बात कर ले एक्टिंग के बारे में तो चाहे यार श्री मुरली हों या फिर जगपति बाबू हों या इनसे अलग भी बहुत सारे अच्छे एक्टर देखने को मिलते हैं जिनका काम यार अच्छा है। पर हाँ, एक दिक्कत यार यहाँ भी लगी है, जो यहाँ पे विलन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिनको आपने यार KGF में भी देख रखा है, और जिस तरीके से उनको यार यहाँ पे रखा जाता है वो एक विलन है, पर फिर भी यार उनके कैरेक्टर को जिस तरीके से लिखा गया था उसको देख के मुझे थोड़ी यार दिक्कत लगी। रीजन है कि यार वो एक विलन तो है पर फिर भी यार उनको देख के इतना ज़्यादा डर लगता नहीं है, वो चीज़ यार आती नहीं मन में कि हाँ इससे यार जो हमारा हीरो है वो निपट नहीं पाएगा। उनके कैरेक्टर को और अच्छे तरीके से अगर डेवलप किया गया होता तो ज़्यादा बेहतर रहता मूवी के लिए, मूवी में इंटरेस्ट और ज़्यादा बनता। तो अगर ओवरऑल बात कर लें पूरे मूवी के बारे में प्लस बताएं इसके हिंदी डब के बारे में, तो मूवी का जो हिंदी डब है वो मेरे को अच्छा लगा। देखो अभी देखा नहीं है पर जो ट्रेलर निकल के आया था, प्रोमोस निकल के आए थे, उन सब में यार अच्छा सुनने को मिला था, तो इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि यार अच्छा ही होगा। बस अगर कुछ दिक्कत निकलती है तो मैं कमेंट में बोल दूंगा। तो ओवरऑल अगर बात करना हो पूरे मूवी के बारे में तो मूवी यार एक तरीके से टाइम पास है, अगर आप इंटरटेन होने गए हो थोड़ा सा यार बोर करेगी, पर इससे अलग अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें यार मूवी में अच्छी भी थी, ओवरऑल एक बार देख सकते हो और अपना टाइम पास कर सकते हो। अगर आपको हिंदी डब मूवीज देखना ही होता है तो भैया जाओ देखो, एंजॉय करो। बाकी अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर पहले आपने देख रखा हो तो भैया कमेंट करके बता दो कि मूवी आपको कैसी लगी थी, कितना मजा आया था देखे। जल्दी मिलेंगे आपसे नई वीडियो साथ में, तब तक अगर ये वीडियो कहीं अच्छी लगी हो तो लाइक मार देना।